chica, mami, no está mi amor. Ya que गंभीरता से, सच्चाई से अगर हम प्रेम करेंगे तो सच में बहुत आनंद मिलेगा। जरूरत है भाई और बहनों बदलने की, क्योंकि समय बहुत बुरा है। हम सब देख रहे हैं, न्यूज में सुन रहे हैं कि समय बहुत बुरा है, तो अभी भी हम अपने आप को बदले, क्योंकि प्रभु ने जैसा हमसे प्रेम किया है हमने वैसा नहीं किया। हमारा जो प्रभु यीशु है बहुत ही दयालु है, उसका प्रेम हम नाप नहीं सकते, उसके प्रेम की गहराई हम जान नहीं सकते। सिर्फ हम इतना कर सकते हैं कि हम अपने प्रभु को प्रेम करें, प्रेम से सच में उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि प्रेम सच में महान है, क्योंकि प्रभु यीशु ही प्रेम है। हम लोग अपने प्रभु से प्यार करें और सबसे ज्यादा प्यार करें, हर चीजों से ज्यादा प्यार करें, अपने हर परिवार से ज्यादा प्यार करें अपने यीशु से, क्योंकि सब चीजें उसने दिया हमें, तो क्यों ना उसको स्थान सबसे ऊंचा रखने वाले। हम प्रभु से प्रेम करेंगे, प्यार करेंगे, उसके आराधना करेंगे सच्चाई से। Yeah.
जब हम आराधना करते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति और उसका सहयोग
वचन और उसके दूध हमारे बीच से हमारे पद में होते हैं। अपन ये प्रार्थना खाली नहीं करती क्योंकि यहाँ पर काम दिखाई देते परमेश्वर हमारे मध्य में होकर काम करता है। Come on.
डे ऑफ पेंटिकॉस्ट हमारे लिए एक आशीष का दिन और आज का दिन हमारे लिए आशीष का दिन। हालेलुया। हम सब परमेश्वर की सामर्थ और उसकी आत्मा में भरे हुए हैं और खाली नहीं रहे कि परमेश्वर से दुआ मांगते रहे कि परमेश्वर अपने वरदानों से भरे, अपनी आशीषें, अपनी सामर्थ बल के साथ में हमारी जिंदगी के ऊपर, हमारी बुद्धि के ऊपर, हमारे प्राण के ऊपर उदय दे, ताकि हम आशीषित जीवन को जिए और हमारी आशीषें दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, हमारे परिवार के लिए, हमारे घर के लोगों के लिए, हमारे संतानों के लिए आशीष का कारण बने। और हम सब मिल करके एक ऐसे समाज को बनाएं, एक ऐसे कलीसिया को बनाएं, एक ऐसे समूह को बनाएं जिसको एकलिसिया अर्थात विश्वासियों का समूह अर्थात चर्च कहा जाता है। हालेलुया। धन्यवाद करें पिता परमेश्वर, आप हमें सुन रहे हैं क्योंकि आप हमारे, और करें पिता परमेश्वर आप हमें तब भी सुनते हैं जब हमारे मन में नहीं है और आसमान पर है, क्योंकि परमेश्वर आप दूर और पास के परमेश्वर है, जो खाने पर लोग हमारे मन में आकर के हमारे मन में काम करने वाले परमेश्वर है। हम दुआ करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु प्रभु अपनी सामर्थ के द्वारा यहाँ पर बल के साथ में काम करने पर हर एक व्यक्ति हर एक जन प्रभु आपकी सामर्थ को अपनी जिंदगी के ऊपर उतरता और ठहरता और मेरे पिता परमेश्वर अपने ऊपर आते हुए देखे और मेरे पिता रो करके पश्चाताप करे अपनी जिंदगी को जो पुरानी थी उसको खुद बोल करके बदलने के लिए परमेश्वर से गुहार करे और कहे कि प्रभु मुझे नया बना दो, कहे कि प्रभु मुझे नई सृष्टि बना दो, क्योंकि परमेश्वर हमको बदलने के लिए आया है और परमेश्वर को नया करने के लिए आया, परमेश्वर को आशीष देने के लिए आया। हम मिल करके उसके नाम को महिमा देंगे और उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा को करेंगे और उसके नाम के लिए अपने हाथों को ऊंचा उठा करके उसकी आराधना को सच्ची आराधना को अर्पित करेंगे। हम मिल करके उसके नाम की तारीफ करेंगे। Hey.
परमेश्वर से दुआ करते हैं जो सामर्थ में भरे हैं आपके नाम में आशीषित हो सके. थैंक यू फादर. होली स्पिरिट जो पवित्र सामर्थ्य भरे हुए हैं वो आपके सामर्थ्य छुए गए इनको कभी छू करके ब्लेस कर दीजिए. इनको छू करके ब्लेस कर दीजिए. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से ये आशीषित किए गए. ये आशीषित किए गए. ये आशीषित किए गए. नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह के नाम से ये आशीषित हो और परमेश्वर के नाम के कार्य को उसको विचित्र करे. हालेलुया. डायरेक्ट आप परमेश्वर से प्रार्थना करते जो बीमार है किसी भी पीड़ाओं में किसी के दर्द में किसी भी कष्ट में इन द नेम ऑफ जीसस आपके नाम की सामर्थ्य से प्रभु उनकी बीमारियां उनके रोग और उनके कष्ट उनके शरीर से दूर कर दीजिए ताकि वे चंगे हों और गवाही के लिए खड़े हों. प्रभु यीशु लोग अपनी जिंदगी को प्रभु सत्य के साथ में चलाए दिखावे के साथ में. दिखावा करने वाला व्यक्ति धोखा खाता और भी भविष्य की दृष्टि से वो गिरा दिया गया तो वो कहीं का नहीं रहता. परमेश्वर पिता आपसे दुआ करते हैं सच्चे आराधक यहाँ पर सच्ची आराधना को समर्पण के साथ कर कोई ढो अब कोई ढोंगा क्योंकि वो परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते वो अपने आप को धोखा देते. थैंक यू जीसस. आपसे प्रार्थना करते हैं आपके पवित्र सागर से इस स्थान को प्रभु आशीषित करिए यहाँ पर उपस्थित प्रभु को आशीषित करिए. जो पहली बार आए हैं आपके नाम में वे आशीषित की जा सके उनका यहाँ पर आना जाया ना जाए परंतु प्यार पिता परमेश्वर यहाँ आकर के अपने जीवन के अंदर जिस शांति की खोज कर रहे थे जिस आशाओं की खोज कर रहे थे जिस छुटकारे की खोज कर रहे थे उस सारी आशीष उनको प्राप्त हो सके. आप दया करें उनकी जिंदगी को प्रभु आनंदित करिए और अति आनंदित करिए. धन्यवाद प्यार पिता इस बात के लिए कि आप हमें सुनते हैं इस बात के लिए कि आप हमें देखते हैं इस बात के लिए कि आप हमें समझते हैं. दुआ करते हैं प्रभु ये चर्च प्रभु एक समझदार चर्च बने बुद्धि से भरा हुआ चर्च बने आशीषित कलीसिया हो आशीष देने वाली कलीसिया हो वरदानों से भरी हुई कलीसिया हो और ये वरदान दूसरों के लाभ के लिए दूसरों को बचाने के लिए और रोगों को बचाने के लिए इस्तेमाल हो सके. धन्यवाद करता परमेश्वर कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं और इस जगह पर उपस्थित सब लोगों को ब्लेस कर रहे हैं. धन्यवाद करता जो पवित्र सामर्थ्य से भरे हुए हैं अभी भी इन द नेम ऑफ जीसस वो यीशु मसीह नासरी के नाम में जो सच्चाई के साथ में पवित्र अग्नि और पवित्र सामर्थ्य से भरे हुए जो सच्चाई के साथ में भरे हुए उनके लिए सिर्फ प्रार्थना कर रहा हूं. सनीम ऑफ जीसस जो सच्चाई के साथ में भरे हुए जितना नहीं ऑफ जीसस. थैंक यू जीसस. उनके ऊपर नया अभिषेक उतर रहा जो सच्चे हैं सच्चों के ऊपर अभिषेक उतर रहा और सच्चाई को रिसीव कर रहे सच्चाई को रिसीव कर रहे परमेश्वर को दिखाया इस समय के लिए परमेश्वर को दिखाया इस समय के लिए और ये एक लोगों के साथ में नहीं ये तीन से पांच लोगों के साथ में ऐसा होगा. सेम चीज सेम चीज सेम अनुभव सेम बात सेम एक्सपीरियंस परमेश्वर तीन से पांच लोगों के साथ जीसस वो सामर्थ्य भर रहे हैं. जीसस चाहे वो पुरुषों में हो चाहे वो स्त्रियों में हो
चाहे वो बहनों में हो, चाहे वो बेटियों में, चाहे वो लड़कों में हो, इन द नेम ऑफ जीसस वो आशीषों से भर रहे के ऊपर परमेश्वर का रूह काम करना शुरू कर चुका है। पवित्र आत्मा उनके जीवन के अंदर काम करना शुरू कर चुका है। पवित्र आत्मा ने उनको परमेश्वर की बातें और परमेश्वर का मकसद बता दिया। पवित्र आत्मा ने आज के दिन का प्रचार उनको बता दिया। पवित्र आत्मा ने उनको वो सच्चाइयां बता दी है। कम से कम 3 से 5 लोगों के अंदर एक ही बात दोहराएगी, एक ही बात होगी, एक ही संदेश होगा और एक ही चीज होगी, काम उनकी जिंदगी के अंदर बल के साथ होगा। इंटरनेट और हर एक चीज को बता पाएंगे, वो हर एक चीज को समझ पाएंगे कि कौन यहाँ पर सच्चा काम कर रहा है, कौन दिखावे के रहा है। थैंक यू जीसस होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा इन सबको जो सच्चाई के साथ में खड़े इनको टच कर, पवित्र आत्मा का स्पर्श उनको रिसीव होने पाए। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच, yeah।
Amen.